ॐ चंद्रमा मनुषो जाचच्छो सूर्यो अजायत श्रोत्रास्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज, और शरद पूर्णिमा बिल्कुल नज़दीक है। 13 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व रात्रि कालीन होता है, तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ में हूँ और आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यह 13 अक्टूबर की रात साधारण रात नहीं है। यह रात अमृत की वर्षा की है, और अमृत आप कैसे ले सकते हैं, अमृत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अमृत को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसका सांगोपांग विधि लेके आया हूँ। ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, और देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति, और आपके जीवन में हर वह स्थिति आपको प्राप्त होगी जिसकी आप कामना करते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा निश्चित रूप से सब कुछ प्राप्त कराने में सक्षम है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है, और पूर्णिमा का वास्तव में मतलब होता है पूर्णस्य मासस्य फलम यस्याः सा पूर्णिमा। पूर्णिमा पूरे महीने में जो आपके द्वारा पुण्य कार्य किए गए हैं उसका फल है। तो मैं इसको इसलिए यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आप पूरे महीने क्या पीछे 7-8 दिन छोड़ दीजिए, 5 दिन छोड़ दीजिए, तो प्रतिपदा से लेके 9वीं-10वीं तक आपने पुण्य ही किए हैं, तो ये पुण्य आपका कहीं आपसे दूर ना जाए, इसलिए पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में नवरात्रि से लेकर के और नवरात्रि के पीछे भी अगर हम जाएंगे तो पितृ पक्ष होता है। हम पितरों को संतुष्ट करते हैं, पितरों को पुष्ट करते हैं, पितरों की यज्ञ करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, वहाँ से पुण्य शुरू होता है और पूर्णिमा पे आके समाप्त होता है। इसलिए पूरा महीना पुण्यवान है, इसीलिए शरद पूर्णिमा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में जो ये पूर्णिमा मनाई जाती है, ये महीना हमारे पूरे जीवन के लिए, या ऐसा कहें तो पूरे साल के लिए आर्थिक उन्नति, व्यापार में उन्नति, आरोग्यता की प्राप्ति और घर की सुख समृद्धि आदि के लिए निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होता है। शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे पूर्णिमा का, यह जो आ रही है शरद पूर्णिमा, इसका महात्म्य, क्योंकि यह पूर्णिमा निश्चित रूप से आपको पुण्य से लबालब भर देगी। एक घटना और होती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा नक्षत्र मंडल में दिखाई पड़ता है, और चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का है। क्यों है? क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध, सीधा कनेक्शन मन से है, और व्यक्ति मन से अस्त व्यस्त होता है, मन से सोचता है, मन से कुछ अच्छा करता है, और मन से ही व्यक्ति कुछ खराब कर देता है। तो शरद पूर्णिमा में निश्चित रूप से वह पूर्णिमा, पूर्ण पूर्णिमा अमृत बन के बरसेगी, और इस अमृत को आप हाथ में नहीं पकड़ सकते हो। तब आप पूछ सकते हो कि महाराज तब कैसे पकड़ सकते हैं, तो मैं बताता हूं ना, आपको बनानी है खीर, और खीर किसकी बनानी है? आपको चावल की। ध्यान रहे, आपको अरवा चावल का मतलब कि बिल्कुल ऐसा चावल लेना है जो चावल पहले उबाला ना गया हो। ये मैं प्रश्न यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चावल ऐसे होते हैं पहले उबाल के फिर वो चावल बनाए जाते हैं ताकि बिल्कुल साबत रहें, टूटे ना। तो लेकिन कुछ चावल ऐसे भी होते हैं वो एक ही बार में साबत होते हैं, लेकिन वो चावल सफ़ेद होते हैं। तो सफ़ेद चावल को लाएं, दूध लाएं और पंचमेवा ले आएं। पंचमेवा ला करके अपने चूल्हे चौके को अच्छी तरह से साफ कर लें। 7 बार आप 7 बार एक मंत्र का पाठ करेंगे, और वो मंत्र क्या होगा? चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपके मन को खुश कर देगा। तो अगर आपको वैदिक मंत्र याद है तो वैदिक मंत्र का इमं देवा
अस पत्न्यग्वंसो अधम महते क्षत्राय महते। ये मंत्र है चंद्रमा का वैदिक, थोड़ा आगे और है, मैं जो थोड़ा सा ही इसमें बोला हूँ, नहीं तो ये मंत्र नहीं याद है तो ओम चंद्रमसे नमः 7 बार इस मंत्र का पाठ करके दूध एक बर्तन में डालें, हो सके तो स्टील के बर्तन में या आप पीतल के बर्तन में आप इस कार्य को करेंगे। और इसे कुकर में तो बिल्कुल मत बनाइएगा, सावधानी है और हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि कुकर भोजन को पकाता नहीं है, भोजन को फोड़ देता है, तो आपके चावल के दोषों, आपके चावल के गुणों को फोड़ देगा। इसलिए कुकर में चावल बिल्कुल मत बनाइए ये वाला, इसके लिए आपको खुला पात्र की आवश्यकता है, और उसमें भी आप या तो स्टील के बर्तन में या तो पीतल के बर्तन में इस चावल को पकाइएगा, दूध डाल करके, पंचामृत आप जो पंचमेवा डाल करके खूब अच्छी तरह से बढ़िया खीर बनाइएगा, स्वादिष्ट खीर बनाइएगा। आप चीनी डाल दीजिएगा, जब आपकी खीर पक के तैयार हो जाए तो रात्रि 8 बजे के बाद एक स्थान को, हो सके तो अपने घर की छत पे एक स्थान को साफ कर लीजिएगा, एक बड़ी सी थाल में पानी रख लीजिएगा, क्योंकि पानी भी निश्चित रूप से चंद्रमा के गुणों को खींचता है। तो एक बड़ी सी थाल में पानी रख लीजिएगा, बीच में आप वह पात्र रखिएगा जिसमें आपने खीर बनाई है। और पानी रखने का एक कारण और हो सकता है कि चींटी आदि या कोई ऐसा जानवर उसको जाके जूठा ना करे, जिससे कि आपको बीमार ना होना पड़े। तो आप रख करके और आप उस पात्र पे ढक्कन ना लगा के सफ़ेद वस्त्र और बिल्कुल हल्का वस्त्र, जिससे कि चंद्रमा का वाष्प, चंद्रमा का पुण्य, चंद्रमा का अमृत उस खीर में आ जाए। और यह खीर अब आपकी अमृत खीर हो चुकी है। इसे सबसे पहले अपने घर के देवताओं को भोग लगाएं, ले जा कर के मंदिर में भगवान को भोग लगाएं, अपने से बड़े लोगों को सबसे पहले दें। और ध्यान रहे, स्नान करके खाएंगे तो ज़्यादा फायदा है, नहीं तो मंजन ब्रश जरूर करिएगा। आजकल लोगों की प्रवृत्ति क्या बन गई है, चाहे मुँह धोए रहें चाहे ना धोए रहें, सबसे पहले चाय चाहिए। तो ऐसा मत करिएगा, मुख आदि प्रक्षालन करके ही, हो सके तो, संभव हो सके तो स्नान करके और भगवान चंद्रमा, भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस खीर को खा के देखिएगा। आपका तन पवित्र हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका घर पवित्र हो जाएगा। तो मित्रों, इतना कुछ पवित्र होगा तो क्या होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी निश्चित रूप से भंडार भर देंगी, हर वह मनोकामना पूर्ण होने वाली है इस शरद पूर्णिमा में। इसलिए आप इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।